ऐसे व्यक्ति के विषय में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि उनके बारे में चर्चा करना मेरे लिए बहुत ही कठिन होगा। सभी साथियों ने अपने अपने विचार दिए, मैं अपनी तरफ से इस श्रद्धांजलि सभा में तमाम लोगों को मैं अपनी तरफ से अभिवादन करता हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि साथियों, चूंकि ये मंच नहीं है, देखो साथियों की बात आई इसलिए कहना पड़ रहा है। जीवन में बातें हम लोग बहुत कुछ करते हैं, जहां भी वो समय आता है अपनी बातों को हम लोग रखते हैं। लेकिन देखेंगे एक जरूर है, ये चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र हो, चाहे ट्रेड यूनियन मोर्चे पर काम करने वाले जो भी साथी हैं, पत्रकार जगत के भी साथी हैं, सभी जगह नैतिक मूल्यों का क्षय हुआ है। सब लोग हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, मैं क्या करता हूँ, आप क्या करते हैं, आपके बारे में हमको जहाँ मौका मिलता मैं जिक्र करता हूँ, मेरे लिए आपको जो समय मिलता था आप जिक्र करते हैं। लेकिन इस एक बात को जरूर विचार अपने आप में खुद में करना होगा, अपने में विचार करें पहले कि मैं खुद क्या करता हूँ, उसके बाद हमें लगता है कि संदेश देना बहुत ही ज़्यादा उचित होगा। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, हमारे सांसद महोदय ने बहुत सारी बातें रखी, लेकिन हम कहते हैं कि नीति निर्धारण कौन करेगा, जनता ने तो आपको सौंप दिया, आपको सांसद बनाया, लाखों लोग आपको प्रतिनिधि यहाँ के बनाए, जिन्हें भी विधायक बनाना तो उन्हें विधायक बनाया, लेकिन क्षेत्र के लिए कल्याण के लिए कौन करेगा? अब किसके ऊपर छोड़ रहे हैं इस चीज को? क्या ट्रेड यूनियन मोर्चे के निचले कतार के लोग करेंगे, यहाँ के मजदूर भाई करेंगे, आखिर नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व की जिम्मेदारी तो हम लोगों ने आपको दे दिया, आप दिशा निर्देश करें, चाहे हम जिस यूनियन में काम करते हो, चाहे जिस पार्टी में काम करते हो, हम लोग मिलकर चले। ये संदेश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो पूर्वज हमारे थे, चाहे जिस मंच में थे, जिस पार्टी में थे, लेकिन मजदूरों के हित में जब कुछ बात होती थी तो सभी लोग आपस में मिलकर काम करते थे। उसी परंपरा को हम लोग कायम करें, हम समझते हैं श्रद्धांजलि सभा होगी। धन्यवाद।